यूपी के जनपद महाराजगंज के तहसील निचनौल से सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसने झारखंड के जामताड़ा के बिचौलियों को पीछे छोड़ दिया है। वो अब तक रुपए उड़ाते थे, पर यहां तो एक गरीब की जमीन ही उड़ाने की कोशिश की गई। गांव के ही प्रधान ने किया ये काम। ग्राम दुर्गवलिया के दो व्यक्तियों कल्लू पुत्र सुकई पारस पुत्र सुनर को गाँव के प्रधान तहसील लेकर आए और उनकी भूमि के एक एक डेसिमल भूमि गाँव में पंचायत भवन के निर्माण में दान करा दिया, जिसकी जानकारी उक्त दोनों व्यक्तियों को नहीं थी। वे जान नहीं सके। दो दिन बाद जब जानकारी हुई, तब वे आज इसकी शिकायत एसडीएम निचलौल को शिकायती पत्र के माध्यम से करते हुए बहला फुसला कर भूमि दान लिए जाने की बात कही है। हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ ने सभी पीड़ितों से बात की है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल तहसील से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आज तक आपने झारखंड के जामताड़ा का नाम सुना होगा, जो सोशल मीडिया के सहारे पैसों को घर बैठे उड़ा दिया करते थे और इंडिया की पूरी पुलिस परेशान हो जाती थी। लेकिन उससे भी एक अनोखा मामला निचलौल तहसील में आ गया है। यहाँ पे गवाही देने के नाम पर बुलाया गया और प्रधान ने गाँव के गरीब की जमीन, जिसे सरकार ने 1973 में दिया था, उसे पुनः प्रधान ने ले लिया। 73 में जब सरकार दी थी तब सरकार इंदिरा गांधी की थी और उन्होंने जमीन इस वजह से दिया था क्योंकि इन लोगों ने नसबंदी करवाया था और इन लोगों को उसके बदले में नसबंदी कराने के 3 डिसमिल जमीन दी गई थी, जिस पर जीविकोपार्जन चलता था। लेकिन आज 2021 में वर्तमान प्रधान ने पहले तो लोगों को बुलाया, गुमराह किया और तहसील लाया और पुनः उनके जमीन को गवाही के नाम पे खुद ही लिखवा लिया। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ये बोल बा जे 3 डिसमिल जमीन मिलल वाला और 1 डिसमिल जमीन जब मांगा था प्रधान जे हमका पंचायत भवन बनवा हमका दे दो, हम कहनी जो हम नहीं दे पाई। जमीन कहाँ से मिला था? जमीन तहसील से मिलल। कैसे मिला था, क्यों मिला था बताइए। एक बेटा पर ऑपरेशन करवाले बानी, गांव भर जाना था आ हमारे ऊपर इतना ऑपरेशन डाले बना जे जब हम ये कि 1 डिसमिल जमीन हम काहे दें, का बनाई में कैसे हम रह, तो वही से हम तहसील में आए बनी। कौन ले के आया था आपको तहसील में और फिर उसका क्या नाम है और क्या किया है वो आपके साथ? आइए अब हम बात करते हैं प्रधान दुर्गवलिया से, जिसने ऐसा कार्य किया था, और उससे पूछते हैं कि उसने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया और इनके आरोपों की पुष्टि करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो सीधे हम फोन लाइन पे प्रधान से ही जुड़ जाते हैं। हेलो, हाँ प्रधान जी नमस्कार। नो सर। प्रधान जी, पत्रकार मोहम्मद आरिफ निचलौल से बोल रहे थे हम। प्रधान जी निचलौल से पत्रकार मोहम्मद आरिफ बोल रहे थे हम। हाँ बोल। ये आपके गांव के दो लोग आए हैं तहसील पे निचलौल, क्या नाम है चाचा आपके? गल्लू। और आपके? पारस। पारस, ये दो लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि आप इनको किसी काम के सिलसिले में लेके आए थे निचलौल तहसील और इनकी जमीन जो है आप कहीं लिखवा लिए हैं, क्या मामला है? अरे वो कोई मामला नहीं है, वो पंचायत भवन के लिए कहा गया था उन लोगों को जमीन के लिए। तो इन लोग बता रहे कि इनके पास 3-3 डिसमिल जमीन है और पंचायत भवन इन्हीं के जमीन में बनेगा? नहीं, उन लोगों को जमीन का नहीं कोई काम होता। तो ये तो उन लोगों को पट्टाधारक है ना जी, तो पट्टाधारकों का जी वो कहा गया था कि 1-1 डिसमिल जमीन आप कहिए कि हाँ दे दिया गया, लेकिन उन लोगों को जमीन नहीं लेना था। तो ये कहना क्यों पड़ा था, ये इसकी औचित्य क्यों आई? अरे भाई उनके सहमति से तो हुआ था। ये सहमत है तो फिर शिकायत किस बात की कर रहे हैं? वही तो कह रहे थे गांव पर हुआ था तो इनका ये कहना कि प्रधान, हमारी भी तो सुनिए, इनका ये आरोप है, इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया एसडीएम साहब को और शिकायत की है और इनका स्पष्ट ये कहना है कि प्रधान हमको गुमराह करके लाए और हमारी 1-1 डिसमिल जमीन लिखवा लिए हैं, प्रधान भ्रष्ट है। कितना लिखवा लिए हैं? 1-1 डिसमिल। तो कागज तो है, तो बात हम कह रहे हैं सहमति से न कहे। आप ये कह रहे हैं कि बहला फुजला प्रधान ले आए, आप कह रहे हैं सहमति से? इनके इनकी बिटिया भी आई हुई है, इनकी बिटिया भी आई हुई है और ये भी यही बात कर रही है, इनके दामाद आए हुए हैं भी यही बात कर रहे हैं, इनकी बिटिया से हम आपकी बात कर रहे हैं। हेलो, एसडीएम साहब से
सहमति के अनुसार से हुआ था, ये नहीं है कि हमारे सहमति के। इनकी बिटिया आई हुई है, थोड़ा आप इनसे भी बात करिए। बात हम कहनी है प्रधान जी से, आईनी है तो बात कहनी है कि काहे लिखवालो जब हम गार्जियन नहीं थे, हम के बोलोले रहतो कि प्रधान जी एक बताइए, पट्टा जो है सरकार के द्वारा दी हुई जमीन होती है, चंदे की जमीन होती है, और उसको जो है चंदे मापने लिए केहू नहीं सुनल है। हेलो जी, वो नौपर्ति की जमीन है। अच्छा, पट्टा नहीं है इन लोगों का? पट्टा है तो पट्टा है, तो कोई भी जमीन सरकारी ही जमीन का पट्टा है, ठीक है, वो पट्टा हो गया इनके नाम से पट्टा है। उसमें से ये नहीं कहा जाता था कि इनके नाम से पट्टा है, इनके नाम से पट्टा है, आपको इनके जमीन के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी है सर। हेलो, आपको इनके जमीन के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी है, मैं ये पूछ रहा हूँ इनकी इन लोगों के नाम से 3-3 डिसमिल का पट्टा है। हाँ है, तो ये 3 डिसमिल की जमीन में आप 1 डिसमिल इन लोगों को बाला फुसला के तहसील लिया के लिखवाए थे, आप अपनी बात रखिए। नहीं, पहले बात समझिए किस लिए हम तो ना समझाइए अपनी बात, आप SDM साहब को अधिकारियों को समझाएगा, हमको बस इतना समझाइए कि इन लोगों का ये आप पे आरोप है कि आप इनको जबरदस्ती बाला फुसला के लाए और इनका जमीन लिखवा लिए। कोई जबरदस्ती नहीं ले गए थे, सबको 5 पट्टादार है, सबको सहमति से हम गए थे, ये नहीं हम अकेले नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है प्रधान जी, ठीक प्रधान जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये प्रधान जी थे और ये बता रहे थे कि हमने सहमति से लिया है, लेकिन इन लोगों ने आज आरोप लगाते हुए SDM साहब को शिकायत किया है कि इनकी जमीन प्रधान जी ने जबरदस्ती लिखवा लिया है। UP के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।